नमस्कार मैं हूं राहुल शर्मा आप देख रहे हैं न्यूज़ स्वागत है आप सभी का आज की की इस बड़ी बड़ी खबर खबर में शुरुआत हम यहां पर करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से राष्ट्रपति चुनाव से पहले कितनी तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से की गई थी और इन सब के बीच क्या देखने को मिला इन सब के बीच ये देखने को मिला कि, कि किस तरह सत्ता पक्ष अपने एक जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू उनके जीत को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे थे लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आगे घुटने टेके क्योंकि सत्ता पक्ष की उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष से समर्थन मांगने जगह जगह जा रही थी लेकिन विपक्ष जो है वो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा था हालांकि इन सबके बीच अगर हम बात करें कई दिग्गजों ने वोट डाला जिनमें मनमोहन सिंह थे पूर्व प्रधानमंत्री और तमाम बड़े बीजेपी के नेता भी थे लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस क्या कह रही है राष्ट्रपति चुनाव से पहले जीत को लेकर किसकी जीत को बड़ा बता रही है हालांकि ये खबर निकलकर सामने आई है कि सोनिया गांधी हो या पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वो यशवंत सिन्हा की जीत को लेकर बात कर रहे हैं उनका यह मानना है कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने बहुत सोच समझ उतारा और विपक्ष ने जिस तरह से उन्हें उतारा है तो सीधे तौर पर यह जरूर देखा जा रहा है कि इसका साफ मतलब यह है कि विपक्ष की जीत देखिए होती नजर आ रही एक आशा की किरण है ना उम्मीद पर दुनिया कायम हारो हारे, जीत। तो हार हार नहीं और आप मन के अंदर से ये कह रहे हैं कि नहीं मेरी जीत होगी तो जीत होगी तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इक्कीस तारीख को नतीजे भले ही कुछ भी हैं लेकिन कम से कम विपक्ष सुकून के साथ ये तो कह रहा है कि हाँ हमने चुनाव भी मैदान में उतरा विपक्ष को सहयोग किया सपोर्ट यशवंत सिन्हा को किया हमने रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात तो की यशवंत सिन्हा को इस बात का, का काफी ज्यादा वो उन्हें अच्छा लग रहा है कि कम से कम विपक्ष में रहकर कम से कम खुलकर तो बात करें लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये लोग केवल जाति धर्म मुद्दों पर बात करें सीधे तौर पर हम कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर बड़ी बातें कही हैं उनका कहना है कि यशवंत सिन्हा जैसे काबिल उम्मीदवार को ही राष्ट्रपति पद पर बैठना चाहिए अगर मैं बात करूं जनता का भी बहुत ज्यादा सहयोग यशवंत सिन्हा को मिल रहा है क्योंकि एक और धर्म देखा चुनाव होने वाले हैं दो का लोकसभा चुनाव है तो आदिवासी वोट कैसे निकाला जाए कैसे दलित वोट निकाला जाए इसकी तैयारी कर रही है उन्हें जनता से फिक्र नहीं है युवाओं से रोजगार से फिक्र नहीं है देश से फिक्र नहीं है रुपया जो है वो बहुत निचले पायदान पर आकर गिर गया है और ये हम देख रहे हैं कि सरकार मोदी सरकार के रहते देश लगातार गड्ढे में जा रहा है और सरकार लगातार उन पर दबाव डाल रही है जो सरकार से सवाल पूछ पूछ रहे हैं यानी कि विपक्ष को आज के लिए इतना ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार